करने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ या नहीं हुआ डेल्टास लॉ का? सर हो गया जी था सर ये। हो जी सर गया। चलो फिर हम क्वेश्चन हो नंबर गया। 9 करवा देते हैं आपको। अब 15 लीटर फ्लास्क वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा 15 लीटर। एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 2 एटमोस्फेयर। पीटी दिया हुआ है बेटा 2 एटमोस्फेयर। इफ 0.1 मोल्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट, हीलियम के मोल्स बता रहे हैं कितने, 0.5 मोल्स दिए हुए हैं हीलियम के। फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ईच गैस का, हर गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करें, यानी पी एच ई मालूम करें और पी एच टू मालूम करें। सबसे पहले तो टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ पता नहीं आगे जरूरत पड़ सकती है। तो 40 प्लस 273 केल्विन्स में ले आया इसको, 313 केल्विन्स हो गया ही। हो सकता है आर की भी जरूरत पड़ जाए, आर भी लिख लेते हैं, 0.0821 एटीएम डॉट डीएम क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। ठीक है बेटा, अब सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है? देखो, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों का मुझे पार्शियल प्रेशर मालूम करना है, और अब तक जो डेल्टन लॉ की न्यूमेरिकल्स के दौरान तुम लोगों ने देखा है, वही देखा है कि यार अगर हमें इनके मतलब प्रेशर मालूम करने हैं, तो उसके लिए अगर डेल्टन लॉ की अप्रोच पर जाते हैं, तो डेल्टन लॉ की अप्रोच के लिए तो मेरे पास, जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर मालूम करने के लिए पीटी होना चाहिए, एन टी भी होना चाहिए और एन एच टू भी होना चाहिए, हाइड्रोजन का भी प्रेशर होना चाहिए, मोल्स होने चाहिए। एन एन एच ऊपर आएगा सॉरी, और एन टी नीचे आएगा, उल्टा ही लिख दिया। तो ये चीजें मुझे चाहिए, तब जाकर मुझे कहीं हाइड्रोजन मतलब टोटल सारी गैसेस का प्रेशर मिलेगा। और इसके अलावा एक अप्रोच हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एन आर टी की भी थी, तो हम इसकी भी बात करेंगे। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हमारे पास अप्रोचेस तो हैं दो तीन, तो हम अभी यहाँ पर दोनों ही अप्रोचेस का मिक्स इस्तेमाल करेंगे अपने काम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो लेट्स सी कि क्या सोल्यूशन इसका निकलेगा, तो किस तरीके से इसका सोल्यूशन करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए, चूंकि पी टी वी टोटल प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, आर पता है, मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ। मतलब मैं जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करूँ, पी टी वी इज इक्वल टू, जब टोटल प्रेशर होगा तो टोटल मोल्स भी होंगे, आर टी, एन टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, एन टी का फॉर्मूला आ जाएगा पी वी अपॉन आर टी। ठीक है ना, अच्छा एन टी टी टोटल प्रेशर 2 एटमोस्फेयर गिवन है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, देखो 15 लीटर दिया हुआ है, आर की वैल्यू जो है वो 0.0821 है, मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2313 है, 313 केल्विन। अब इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एन टी इज इक्वल टू, आंसर बताइएगा बेटा। 1.16 1.16 मोल, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अप्लाई करूंगा डेल्टन लॉ, तो मेरे पास आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डेल्टन लॉ भी मैं अप्लाई करूंगा हीलियम का प्रेशर मालूम करने के लिए, क्योंकि हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स मुझे सवाल में दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो पी एच ई बराबर आ जाएगा एन एच ई, एन एच ई, पी एच ई डिवाइडेड बाय पी टी होता है,
और NHE डिवाइडेड बाय NTO, तो PHE यही रहेगा, बाकी NHE मल्टीप्लाई बाय PT डिवाइडेड बाय NT, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। NHE की वैल्यू क्या है सवाल में जाके देखिए, 0.5। प्रेशर की वैल्यू है 2 और NT की वैल्यू क्या है 1.16। बेटा इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। 0.862 0.862, ठीक है। PHE का आंसर आ गया 0.862, ये आ गया एटमॉस्फेयर में। अब आपको पता है कि मुझे PH2 निकालने के लिए मैं इस वाली अप्रोच में चला जाता हूँ, PT इज इक्वल टू PHE प्लस प्लस PH2, तो PT कितना है 2 और PHE हमने निकाला 0.862 प्लस PH2, PH2 वही रहेगा, बाकी 0.86 को उधर भेज के 2 से माइनस करके आंसर बताओ। क्या आ रहा आंसर बेटा? 1.1 1.14 1.14 एटमॉस्फेयर, ये आ गया बेटा PH2। ये हमें कैलकुलेट करना था, सर PH2 इधर किया और फिर क्या किया था आपने? ठीक माइनस किया बेटा 2 से इसको, है क्लियर हुआ बेटा? ये सवाल समझ में आया सबको? यस सर ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। अ मिक्सचर ऑफ 40 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सर, 40 ग्राम, माइनस करके वो आंसर तो नहीं आ रहा। इसको माइनस करके नहीं आ रहा, 2 को 0.862 से माइनस करोगी तो आंसर यही आएगा। सर हमारा तो 1.13 ऐसा है। हाँ तो वो सही है बेटा, कैलकुलेटर के लीस्ट फिगर का मसला है, 1.13 और 1.14 चुनी। 40 ग्राम हाइड्रोजन और एंड 60 ग्राम हीलियम, केवन मास दिया हुआ है हीलियम का 60 ग्राम्स, एंड अ टोटल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है टोटल। आपसे कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर जो है वो गैसेस का मालूम करें, तो न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, देखते हैं खैर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा कितना दिया हुआ है, इसका मास 40 और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास होता है 2, तो आंसर आ जाएगा 20 मोल। फिर हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, हीलियम का मास दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, हीलियम का गिवन मास है 60 और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ है यानी हीलियम के एक एटम का जो मास है वो है 4, वो आता है 4, तो 60 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15, नहीं हाँ 15 आ जाएगा। अच्छा जब ये दोनों गैसेस के मोल्स आ गए तो NHE और NH2 को प्लस करके हम NT भी तो निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बगैर तो सवाल ही सॉल्व नहीं होगा, ठीक
ठीक है ना, तो एन टी यही रहने देते हैं, एन एच ई कितना है 15 और एन एच टू कितना है 20, दोनों को प्लस किया तो एन टी आ जाएगा बेटा 35 मोल, ठीक है, ये आ गया एन टी। अब टोटल प्रेशर गिवन है मेरे पास और सबके मोल्स भी पता है, तो मैं अगर निकालूंगा पी एच ई तो वो पी टी इज इक्वल टू एन एच ई डिवाइडेड बाय एन टी। अब एडजस्ट होने के बाद फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, एडजस्ट होने के बाद फॉर्मूला बन जाएगा पी एच ई इज इक्वल टू एन एच ई मल्टीप्लाई बाय पी टी डिवाइडेड बाय एन टी। तो पी एच ई, अच्छा एन एच ई जो है वो हमारे पास कितना है 15 है, मल्टीप्लाई बाय पी टी जो है वो 2 है और एन टी क्या है 35। तो हमारे पास पी एच ई कितना आ गया बेटा जरा बताना, जीरो पॉइंट एट फाइव 0.85 एटमोसफेयर, ठीक है, क्या कि हमारे पास पी एच ई। अब पी एच टू निकालने के लिए मैं वॉली अप्रोच पे चला जाता हूँ, पी टी इज इक्वल टू पी एच ई प्लस पी एच टू, तो पी टी की वैल्यू है शायद 2, 2 है पी टी की वैल्यू, तो हाँ 2 इज इक्वल टू पी एच ई की वैल्यू आ रही है 0.85। अब इसको उधर भेज कर माइनस करोगे तो पी एच टू आ जाएगा, जल्दी से बताओ माइनस करके। 1.15 1.15 एटमोसफेयर, क्लियर हुआ बेटा? जी सर। ठीक है बेटा, गुड। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।